कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। मैं यहाँ अगर आपको बताना चाहूँगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे, आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है, और ये एलोकेशन लगभग 164% 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसी तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स के तरफ से खर्च करने के लिए 70,051 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने तरीके से हेल्थ के सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान कर सके। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन, वो टोटल बजट का लगभग, जो नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट्स को इस बात के लिए ताकत देता है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करें, उस सारे को करने के लिए टोटल हेल्थ बजट का 55% NHM के माध्यम से खर्च होता है। इसको भी हमको ध्यान में रख करके, हमको जब हम बजट एलोकेशन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री PMSSY, उसकी बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले 10 सालों में 13,900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और उसके माध्यम से भी हमने टर्शरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाया है। जो हमने 2017 के अपने हेल्थ पॉलिसी में कहा कि हमारा 2.5% हेल्थ का बजट खर्च होगा, मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि हम तीव्र गति से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और 1.1% ऑफ द GDP से अब वो बढ़ करके 1.9% हो गया है, रीचिंग 2%, और उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं।